हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 6 में आज का टॉपिक है कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होते हैं? कंट्रोल स्ट्रक्चर ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि अफेक्ट करती हैं प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को, ठीक है। क्योंकि कंट्रोल स्ट्रक्चर में जो भी कंडीशन दी होती हैं उसके बेस पे कंपैरिजन होते हैं, जिससे आपकी जो है आउटपुट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जो भी कंपैरिजन होते हैं, कंडीशन जो दी होती है उनमें जो कंपैरिजन होते हैं उसके बेस पे जो है आउटपुट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है डिसीजन स्ट्रक्चर, या उनको बोलते हैं सिलेक्शन स्ट्रक्चर, और सेकेंड है लूपिंग स्ट्रक्चर। तो डिसीजन स्ट्रक्चर या फिर सिलेक्शन स्ट्रक्चर क्या होते हैं? इसमें क्या होता है कि जो भी कंडीशन हमने लिखी होती हैं, ठीक है, उसके जो कंपैरिजन होते हैं उसके बेस पे जो भी सेट ऑफ स्टेटमेंट जो होती हैं एग्जीक्यूट होती हैं, ठीक है। जो भी कंडीशन का जो रिजल्ट आएगा उसके बेस पे जो सेट ऑफ स्टेटमेंट होती हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं, ठीक है। तो डिसीजन स्ट्रक्चर में आपके आते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। सेकेंड है इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, लास्ट है स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। डिसीजन स्ट्रक्चर क्या बताए कि इसमें जो भी कंडीशन दी होती हैं उसके जो आउटपुट आती है, उसके जो कंपैरिजन होते हैं उसके बेस पे जो है स्टेटमेंट जो होती हैं एग्जीक्यूट होती हैं, ठीक है। तो डिसीजन स्ट्रक्चर में 3 टाइप के स्ट्रक्चर्स आते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट। नेक्स्ट करते हैं भी लूपिंग स्टेटमेंट क्या होती है। तो लूपिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है कि सेट ऑफ स्टेटमेंट मींस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो होती हैं वो बार बार एग्जीक्यूट होती रहती हैं, ठीक है। जब तक कंडीशन ट्रू होती है, जब तक कंडीशन जो है ट्रू होती है तो सेट ऑफ स्टेटमेंट जो है, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स बार बार एग्जीक्यूट होती रहती है, ठीक है। और जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ठीक है, तो जो है लूप जो है टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। कंट्रोल जो है आउट ऑफ द लूप चला जाता है, ओके। तो जब कोई स्टेटमेंट्स बार बार एग्जीक्यूट होती हैं तो उस चीज़ को बोलते हैं लूप। लूप मीन्स किसी स्टेटमेंट का बार बार एग्जीक्यूट होना, ठीक है। तो लूपिंग स्ट्रक्चर में क्या आता है, लूपिंग स्ट्रक्चर में जो स्टेटमेंट्स आती हैं, स्ट्रक्चर आते हैं, उसमें हैं फोर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप, ठीक है। तो लूपिंग स्ट्रक्चर क्या बताया, जिसमें कि कुछ स्टेटमेंट जो होती हैं, सेट ऑफ स्टेटमेंट जो होती है बार बार एग्जीक्यूट होती रहती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब तक कंडीशन ट्रू होती रहती है तब तक ये जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं बार बार एग्जीक्यूट होती रहती है, और जब भी आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो आपका जो लूप होता है वो टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। लूपिंग स्ट्रक्चर में कौन कौन से आते हैं, फोर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप।